कि घर छोड़ के ही जा रहे हो। आई माइट नेवर डू दिस अगेन। भाई मेरे पुरखों ने इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी होती तो हम भी ऐसा कुछ बनाते थे। गाइस लाइट चली। और मैं जब लिपस्टिक लगा रही थी, मैं आईलाइनर लगा रही थी। हमारे सपनों पे, हमारी मेहनत पे थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है प्रॉपर। Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to an episode of Hustle with Sarah, where you and I, we hustle together. It's the 9th of October and today is going to be a super, super long day. It's literally 7 a.m. I've woken up so early because I need to get to the gym, finish my morning routine, and then Shalini is going to come and we have a long, long, long day ahead of us because hum Mumbai chhod ke ja rahe. We are going all the way to our studios, which is really, really far from us. It is more than 57 kilometers away. It's in Palghar. Ye studios mein बहुत बड़े बड़े सेट्स होते हैं, सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स डू लाइक रियली सिनेमैटिक वीडियोस एंड जस्ट फॉर द क्रिएटिविटी ऑफ इट। ओके, इट्स नॉट लाइक अ ब्रांड स्पॉन्सर्ड थिंग और एनीथिंग। आई फील लाइक घर में बैठे बैठे हमारा भी क्रिएटिव ब्लॉक रीच हो जाता है। सो टू डू समथिंग डिफरेंट, वी थॉट दैट टुगेदर वी वुड डू लाइक अ दुर्गा पूजा लुक एंड वी वुड प्रॉपरली गेट अवरसेल्फ्स रेडी इन द ऑथेंटिक ड्रेप ऑफ बंगाली साड़ी एंड प्रॉपरली गेट रेडी फॉर दुर्गा पूजा अच्छे से एंड डू लाइक अ रील। तो लिटरली इतनी सी रील शूट करने के लिए हम इतना दूर जा रहे हैं। जो एक मिनट की रील होती है वो एक मिनट की भी नहीं होगी, शायद उससे भी कम होगी, बट इतना दूर ट्रैवल करके जाने वाले और तैयार होने में ही आई एम श्योर उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आई टोल्ड शालिनी के पहले हम मेकअप घर पे कर लेंगे, वी गेट फुली रेडी एंड देन वी लीव विद ऑल आवर बोरिया बिस्तर। शरीन हैज गॉट इन माय लाइट्स, माय आउटफिट, एवरीथिंग रेडी एंड ऑलरेडी पैक्ड इन द कार। सम ऑफ इट इज गॉन इन द कार, सम ऑफ इट इज ऑलरेडी स्टिल हियर। तो वो सब अभी चला जाएगा वंस शी कम्स, बट फर्स्ट नीड टू गेट टू द जिम। जिम जाने से पहले आई थॉट आई शेयर अ मॉर्निंग रूटीन एसेंशियल विद यू ऑल। रिसेंटली बिकॉज ऑफ द फेस्टिविटीज हम बाहर का थोड़ा बहुत खाने लगे। यू ऑल नो अभी मैं अपने डाइट के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। You have completely stopped eating from outside processed foods. I have cut down a lot of sugar and carbs from my food, which is why you all see that I've lost weight and I've lost a lot of inflammation from my body. But फिर भी एक आधे पिंपल इसलिए आ रहे हैं because festivities में you know तो थोड़ा बहुत मीठा हो जाता है, बहुत ज्यादा बाहर का खाना होने लगा है and उसकी वजह से my gut health has been a little up and down and you need to take care of your gut health especially in the festivities. So I added a new supplement to my morning routine. Before I have my morning coffee, I take a glass full of water and I add a tablet of the detox moringa antioxidant from Bloom. I'm now very strict with my supplements. Whatever my body needs and asks for, I give it that. And for good gut health, if you all don't know, moringa leaf powder is very good. It helps with immunity and cholesterol levels also. It's a superfood and I love this one from Bloom because it firstly dissolves in water super easily, tastes very refreshing and lemon flavored. So it's nice to taste because empty stomach pe I consume this. And additionally, this tablet from Bloom also has vitamin B12, so it's good for immunity building. Packed with antioxidants and inflammatory properties, moringa helps flush out all the toxins, repairs the gut lining and supports digestive health. It's also rich in essential vitamins and minerals and promotes clearer skin and overall well-being. After this, I don't eat breakfast immediately. ये खाने के बाद अगर मेरा जिम डे नहीं होता है तो आई जस्ट कीप अ 1 hour गैप, देन आई हैव माई कॉफी एंड देन आई कीप अनदर 1 hour गैप एंड देन आई स्टार्ट हैविंग माई फर्स्ट मील ऑफ द डे। सो अच्छा खासा मेरा सुबह में ही 2-3 hours का गैप हो जाता है वे माई बॉडी इज डिटॉक्सिंग एंड कैन ऑल्सो गेट सम इंटरमीडियंट फास्टिंग विच एक्चुअली हेल्प्स विद लोअरिंग बॉडी फैट परसेंटेज ऑल्सो। सो दिस इज माई मॉर्निंग रूटीन ओवरऑल कि मैं सुबह उठते के साथ अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर लेती हूँ पहले जैसा। आई फर्स्ट ट्राई टू एक्टिवेट माई गट, एक्टिवेट माई सिस्टम। और आज तो मुझे जिम, बट हर रोज मैं जिम नहीं जाती, आई गो एवरी ऑल्टरनेट डे। सो ऑन द ऑफ डेज ऑफ जिम आई जस्ट कीप अ गैप इन द मॉर्निंग, आई गेट टू वर्क और आई रीड अ बुक और समथिंग, जस्ट सम अदर मॉर्निंग एक्टिविटी, बट आई डोंट इमीडिएटली इंडल्ज इन ईटिंग इन द मॉर्निंग एस्पेशली फैटी फूड्स। आई एम गोना मेक श्योर टू लिंक दिस सप्लीमेंट फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू हैव गैस्ट्रिक इश्यूज और गट हेल्थ इश्यूज देन यू कैन ट्राई एडिंग दिस इन योर मॉर्निंग रूटीन एंड डेफिनेटली सी अ डिफरेंस। लेट्स बिगिन द हसल ऑफ द डे। वी आर स्टार्टिंग विद अनमाउंटिंग दीज लाइट्स। आधी से ज्यादा लाइट्स जो भी आई ओन हमने ऑलरेडी गाड़ी में लोड करा दी है। ऑन साइड शूट करने के लिए यू हैव टू टेक एवरीथिंग, मतलब स्टूडियोज में जो लाइट होती है वो हमारे को फेवरेबल नहीं होती है। सो वी आर टेकिंग ऑल ऑफ दिस। लाइट्स हो रही है पैक, इधर मेकअप हो रहा है पैक, हेयर हो रहा है पैक। वी आर गोना बी डूइंग आवर मेकअप फ्रॉम योर एंड गो, बट स्टिल सब कुछ टच अप के लिए भी लेके जाएंगे। सत्यम हैज ऑलरेडी टेकन हाफ द लाइट्स एंड गॉन इन द कार। यहाँ इतनी सारी जगह लेने वाली लाइट लिटरली बिकम्स लाइक सच अ स्मॉल थिंग। द लाइट इज ओनली दिस मच एंड इट टेक्स अप सो मच स्पेस बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट बॉक्स। नाउ दैट एवरीथिंग इज अनमाउंटेड वी कैन टेक इट इन द कार। सो Satyam is gonna load my car. Paji, I'm not there today full day. Today you can do masti all day without mama. All day without mama. ऐसा packing वैकिंग करके ऐसा जाना पड़ता है shoot पे जैसे कि घर छोड़ के ही जा रहे हो। साड़ी ले लिया है, makeup, hair, everything we'll take backups of backups and lights and everything else. फज को छोड़ के सब लेके जा सकते हैं।
A few inches later. I wanted to vlog since morning when we were doing our makeup, but both of us did our makeup in different rooms because itni zyada subah subah ki chaos hai. Chalini was also on calls with her team and I was on call. My team is here, but I was on calls with other people, fixing my house, fixing my life, fixing a lot of things. So we were on calls and we couldn't. She's done her full glam. I've done only base glam. And Sara ne bola mujhe 2 minute lagta hai makeup karne mein. To main udhar ke 2 minute use karungi na. Abhi hum niklenge taki hum traffic mein na phas jaye. To go all the way to Palghar. This studio is very far. For the longest time, we were thinking it's in Malad for some reason. But the office is in Malad and the studio is in Palghar. So we'll go reach there and then I can sit in my car and do if they don't give me the green room. I don't mind. This is my second high production shoot. Yeah, I'm very excited in general because I've not done a high production shoot in a hot minute. Like last time, Pura Navratri was high production. Otherwise, usually my all shoots are for festive is high production. This time, my full festive is bit. But tune bhi kabhi location aise high. किया ना फॉर इम्पल्स फॉर इम्पल्स हाँ फॉर फेस्टिव आई हैव नॉट डन आई हैव डन आउटडोर फॉर इम्पल्स फॉर अपैरल तो एनीवेज एंड यूजुअली आई डू इन कैफेज वो मैं करती रहती हूँ ना हाँ हाँ राइट कैफेज पे तो मैं करती रहती हूँ हाँ जब मेरे पास स्टूडियो था नहीं तो मैंने इससे कैफेज में ही किया था हाँ जब तेरा ये स्टूडियो बन रहा था तब ये स्टूडियो चलो बहुत लंबा सफर है लेट्स गो टू पालघर फज नहीं वो जाएगा भी तो कुछ हमको हेल्प नहीं करेगा खाली हैरान करेगा फजी आई एम गोइंग टू पालघर यू नो वेयर इट इज यू नो वेयर पालघर इज ये पता है उसको ये पैसा लग रहा है हड्डी जैसी लग रही है उसको व्हाट इज दिस फजू व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस गुड लुक Yes, haircut हुआ है शालिनी विद हर पिंक सूटकेस अभी हम खाना सब कुछ दे दें मेरा अभी जो जो लेके आया है क्या लेके आया है एप्पल काजू ये कल काटना एवोकाडो चना और अंडा मसाला है मम्मी ने बोली थी तो कल का खाना क्या किया फिर कल का भी खाना ले ला वो भी दे हाँ मच्छी अलग हम मैं रात के 11:30 को आऊंगी वापस बेटा मच्छी मत डाल हाँ बड़ी शूट में पहनू ये मेरे नाखून नहीं है शायद उसके नाखून है शालिनी यू हैव फेक नेल्स यू हैव पुट प्रेस ऑन्स और समथिंग मतलब नो ना सेम ही बना रहे हाँ ये भी डाल दो आई एम टेकिंग घर का खाना शालिनी इनफ फॉर एवरीवन सब डाल दे भाई बहुत लोग हैं उधर कोई ना कोई खा लेगा सब डाल दो बारिश हो रही है गाइस अभी हमारे सेट पे बारिश हुई तो सब सपनों पे बारिश हो जाएगी थोड़ी मैंने देखा था वेदर फोरकास्ट मैंने जब सुबह उठी है मैंने देखा ये क्या हो रहा है मौसम को बारिश हो रही है तो आई चेक द वेदर देन इट वाज शोइंग कि 10 से 11 होगा थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी वाओ न्यू वर्ड से 3 बजे तक बूंदाबांदी ओके उसके बाद 4 बजे जो हमारा शूट टाइम है 4 से 8 क्लीन दिस इज वेरी वेरी रिस्की ऐसा यूजुअली मुंबई में नहीं होता बी पॉजिटिव It's okay. वापस आ जाएगी पालघर तक रोड ट्रिप एंड बैक दे विल हैव टू रिफंड द मनी बट वी पेड फॉर द स्टूडियो आई डोंट थिंक सो दे ईट डोसा चटनी विद आवर मनी देन व्हाट वी विल डू दुर्गा पूजा इन बारिश माय मेकअप इज एनीवेज आई हैव नॉट पुट मस्कारा एंड ऑल टिल नाउ सो वाटरप्रूफ यू डिड वाटरप्रूफ या ओके गुड तू भी आई शैडो करती बट दिखता नहीं जब आंख खुली रहती है हां क्योंकि आई हैव हुडेड स्लाइटली हुडेड या इवन आई हैव हुडेड व्हिच इज आई डोंट डू आई शैडो looking down shots गाइस हम महाराष्ट्र भी छोड़ देंगे अभी ऐसा ही लग रहा है कब से गाड़ी में पता नहीं किस कोने में ये स्टूडियो इट्स एज पर गूगल इट सेज थाने बट दिस इज डेफिनेटली नॉट थाने वी लॉन्ग बैक थाने तो गया वसई भी गया या दिस इज व्हाट द करजा सिंपल शूट करजत पहुंच के 1 घंटा होगा हमको अंदर से ओ राइट 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 Yeah, but that was still we were prepared to go to Karjat. Today I was prepared to go to like a Thane because it said Thane on the address, but this map location, the pin drop is कहाँ मतलब हरियाली देखो ये कहाँ मुंबई तो नहीं है खैर पहाड़ों में आ चुके हैं look is a dense forest है इधर proper like outstation vibes max see the map pin is like this is where we have to go guys एंड यहाँ जाना है और अभी तक भी हम अभी 13 किलोमीटर पे रहना है अच्छा हुआ आप नहीं आते तो मेरे को ये ड्राइव भी करना पड़ता शूट भी करना पड़ता सब कुछ आई हैव पर अब
जाने की. ट्रैफिक में फंसना अलग होता है. वो ट्रैफिक में फंसना तो I will still accept traffic. Because you are not driving, no, sweetu. In traffic, when you have to keep doing this to the accelerator, na, to pair ki jo baat lagti hai. And this is also non-stop driving, so you have to be concentrating. Koi varna truck aake dimag ka dahi hota hai. Drive karo aap. Aap sikhiyo. Aapko aata hai? Princess forever. Dur dur tak ek restaurant bhi nahi hai susu jaane ke liye. क्या दही पूरी झाड़ियों में दही पूरी दही पूरी खाना आपको जाना है दही पूरी खाना है. तुम शूट करोगे ना शादी? हाँ हाँ. अच्छा अब इतना खर्चा हो रहा है तो खर्चा मतलब पेट्रोल गाड़ी भाड़ा और ड्राइवर अंकल और ताहा और स्टूडियो सबका पैसा. ताहा भी इधर आगे पीछे कहीं है. वो अपनी मिनी वैन लेके आ रहा है उसका गाड़ी भाड़ा अलग. और जा रहे हम चार लाइन शूट करने के लिए बिफोर. मजाक तो देखो आफ्टर खाली आफ्टर उधर लेना ट्रांजिशन रील का बिफोर हम घर पे लेंगे. इसका कोई ब्रांड पैसा नहीं दे रहा है. फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय अस. ओके शालिनी एंड साहब अपन एक प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं. एक्चुअली पालघर में एक प्रॉपर्टी ऐसे झाड़ियों के बीच में अपन भी प्रॉपर्टी रहते. दो तीन खंबे डाल के स्टूडियो बना देते. चल न्यू बिजनेस आइडिया. क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या स्टूडियो खोल रहे हैं अपन. एवरी नाइट आई शुड गिव देम अ न्यू बिजनेस आइडिया. लाइक सारा नया दिन नया बिजनेस आइडिया लेके आ दिया. एवरी डे टिल आई स्टार्टेड इंपल्स एंड इवन आफ्टर दैट लाइक रोज इसको नया बिजनेस करने का. They always believe me. That's the thing because I can do it. I have a very strong pitch. कि ये देखो यहाँ से अपन ये निकालेंगे यहाँ से अपन ये निकालेंगे ऐसा करेंगे ऐसा. तो they always believe me. वही तो problem है. But impulse में तो तमन्ना से logo भी designing शुरू करवा दी थी मैं. ये तो मैं बेचूंगी. This is very good. अभी मेरे को impulse ही पीने का actually. But मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि मैं सुबह पी ली थी already एक कप कॉफी और मुझे लगा बस होएगा. गलत लग रहा था मुझे ये रोड जर्नी में. फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे आने वाला वाइब्स है यू नो. इफ मेरी माँ होती तो ऐसे गप्पे लड़ाती मेरे साथ. शालिनी गप्पे लड़ा. मैं अपनी एनर्जी सेव कर रही हूँ. बोला था ना तुझे मैंने. इधर आया हनी बुक स्टूडियोज. एकदम पता नहीं कौन से कोने में. बहुत ही दूर है गाइस. इतना दूर तो मैं सच्ची में कभी नहीं आई हूँ. एक दिन के डे ट्रिप वाले शूट में. ऐसे शूट पे मैं आई हूँ जहाँ मैं रही हूँ लाइक इम्पल्स की शूट पे. तो वी स्टेड वेंट द नेक्स्ट डे होम. दिस इज तो एक ही दिन में जाओ वापस आओ. या वी सॉ अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स बुक दिस स्टूडियो सो वी थॉट चलो हमको भी करना चाहिए. आई माइट नेवर डू दिस अगेन बट never say never but I know never. They've made like setups for actually pre-wedding couples to come and shoot here which is pretty cool. हम अभी आके इधर अटक गए. हाँ ये private property किसी और की. ये sets नहीं ये पीछे हो जाओ. This is Honey Book Studios. It's a huge place. Yeah only outside Bombay can you actually make such huge places into studios. Bombay में इतनी जगह कहाँ. इधर एक एंट्रेंस है. यही स्टूडियोज है. देख ये जोधपुर वाला सेट है. चल के जाने में दिक्कत नहीं है बट मेरे को वो बाकी के सेट्स नहीं दिख रहे जो अपन ने बुक किए. अरे बट द सेट्स वो डिफरेंट. द वन वी चोज हैड स्काई. दिस इज ऑल हरियाली. स्काई कहाँ दिखेगा? आप पहले वो उनको पूछते हैं ना. यहाँ पे पीओसी वैसे भी द गेट इज शट. इट्स नॉट लाइक वी कैन एंटर. हाँ प्राइड ऑफ राजस्थान इधर है ना. द प्राइड ऑफ राजस्थान अपन ने बुक. इधर एक सेट है टेलीफोन बूथ. प्राइड ऑफ राजस्थान ये देख बाली वाला जो उन लोग बोले आई थिंक ये राइट लो. ओ बाली पर जो गाइस ये तो काफी बाली जैसा लग रहा है. वैसे इधर ही रह जाते हैं. राजस्थान जाना है हमको. पालघर में राजस्थान. द रॉयल प्लेसेस आर हियर. व्हाट अ बिग प्रॉपर्टी मैन. व्हाट अ बिग प्रॉपर्टी एंड दे जस्ट मेड सेट्स क्रेजी. ओ दिख गया. देखो उधर से मेरे को दिख रहा है. सांप इज नॉट द प्रॉब्लम. गाड़ी नहीं घुस रही है वो प्रॉब्लम है. चल रोड ट्रिप बोल के घर वापस जाते. एक और सेट है इधर व्हाइट वाला और ये भी ऑरेंज वाला. दिस इज द सेट. अभी इधर अपने को स्टूडियो स्पॉट बॉयज मिलने वाले थे ना शरीन. वो तो रहेंगे बोले
बट इधर एक कोई इंसान दिखे. द सेट इज वेरी प्रॉपरली मेड, इट इज अ सेट सेट ओनली. टेल वी आर ऑन द राजस्थान सेट, दिस इज व्हाट वी विल यूज टू शूट रात के टाइम पे. इट इज वेरी ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, हरियाली तो देख क्या सुंदर है यार, इट्स वेरी प्रिटी. व्हाट इज दिस लेक, लुक एट दैट, ओह माय गॉड, हाउ आई कांट बिलीव समबडी ओन्स दिस लैंड, लाइक इमेजिन दैट. भाई मेरे पुरखों ने इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी होती तो हम भी ऐसा कुछ बनाते थे. बहुत क्रिएटर्स आते हैं, अब हम भी आए हैं, वेरी प्रिटी गाइस. है तो बहुत प्रिटी, इतना ट्रैवल करके आए, कुछ तो हासिल किया हमने, अब और हासिल करेंगे. माय ओनली वसूलेंगे, ये हमारा एम. बादल क्या गरजे है अगर बारिश हुई अपने प्लान्स पे. शालिनी मंडल, वी आर सो. वो कहाँ से आया, यहाँ से थोड़ा एंट्री है. हम लोग म्यूनिक जा रहे हैं. अरे गए रॉयल पैलेस गए हम लोग. अरे अरे मस्त है ना. अरे अगर बारिश हुई तो क्या करेंगे, देख गड़गड़ आ रहे हैं. तो अभी बोले तो हुआ गड़गड़, वो हो रहा है गड़गड़. तो तुमको सुबह ही बोलने तो, पर मैं बीट नहीं देने का तुमको मेरे को भाई. ये लोग तो बुकिंग अमाउंट में फुल पैसा दी शालिनी. गाड़ी सोने के लिए पीछे हम लोग, क्या टेंट बिन सब है पीछे. रुक इधर पार्किंग नहीं, सुन मेरी बात, तुम लोग पहले उतरो दोनों फोटोग्राफर और साइड रेकी करो. साइड रेकी करो, पार्किंग उधर है मालूम है. हाँ हम लोग भी इधर को बोलते हैं, अरे वो वाले बंदे लोग आए वो सीधे से लेके सीधे जाने के ना, और कहाँ जाएंगे हम लोग. आज पूरे स्टूडियो में सिर्फ अपन अपन कुछ भी यूज कर सकते थे. कुछ या वी कैन यूज, सो ही इज तो टोल्ड. सी द थिंग इज, वी हैव ओनली 4 आवर्स नाउ, यू ऑल नीड टू स्ट्रेटजाइज प्रॉपर्ली. हम लोग हमारा सोच के हमको क्या स्टेप्स करने के वगैरह क्या करेंगे, हर स्टेप बार बार ले लेंगे, मतलब इधर भी लेंगे पूरा स्टेप, इधर भी लेंगे. नो अलग अलग लेंगे ना, इतना टाइम होना चाहिए. अरे पूरा अपन कर लेंगे ना, अपन ट्रांजिशन करने के लिए इजी है ना, अपने करने का तो स्मूथ होगा ना. फिर वेयर आर द स्पॉट बॉयज, दे आर गोइंग टू गिव अस, आई डोंट नो. सच्ची बोलो कैंप भी है, इधर से किधर जाते हैं, इगतपुरी जाते हैं. इगतपुरी ये देख, कल दिल्ली जाने वाली है, इसकी शक्ल देख बिफोर. देखो इधर से आगे जाने का थोड़ा दूर जाएंगे भाई, आ जाएगा यार. ये तो एड्रेस पे बोला थाने, बट ये कहाँ लेके आया. एड्रेस में आपने बोला मलाड मारवे, चेक करो मलाड़ी डाल के रखा उन्होंने, वो बुकिंग ऑफिस था. इसने बोला है तो रियलाइज हुआ है, तो आज मैं सच बोल रहा हूँ मलाड़ मार. सबसे बड़ा जोक था तुम लोग मेरे को मलाड़ मलाड़ बोल के इधर लेके आए. बट अभी देयर इज नो टाइम गाइस, लिसन टू मी, वी नीड टू शूट सम इन डेलाइट तहा, बिकॉज़ द बैकग्राउंड इज गोना बिकम पिच ब्लैक अदरवाइज, एंड ये जो ग्रीन मिल रहा है ना वो नहीं मिलेगा अपने को. तो थोड़ा हम लोग फटाफट तैयार हो रहे थे, इधर जाते हैं उधर भी जाके आते हैं हम लोग. हां रेकी कर लो ये दोनों फोर्ट, उधर और इधर द फोर्ट एंड दिस. हमारे प्लान्स पे थोड़ी बारिश तो होगी क्योंकि बादल इस तरीके से हो रहे हैं. ये देखो हो रहे काले बादल तो आ रहे हैं, तो भीगता हुआ डुग्गा है लो और क्या. A few minutes later, we've got the changing room and now we are wearing our blouses, quickly doing our makeup, जो भी बचा कुछ है, and need to rush. बाहर बादल गड़गड़ा रहे, proper rains होने वाली है. I don't know how we're gonna shoot in this तूफान. Quite a challenging day, but we'll try to make it work. अब इतना दूर आए हैं तो कुछ तो करके ही जाएंगे. इतना दिए इधर का हमने 4 घंटे का. With this room we have paid 15,000 for 990. मतलब 16,000. 16,000 for how many hours of course have come. लोगों के हिसाब से भी रेंट था क्या शरण? इट वॉज एज मेनी पीपल ऑल्सो वी आस्क्ड ना, तो आई थिंक हाउ मेनी पीपल यू ब्रिंग उस पे भी है, इन केस यू इंटरेस्टेड. सच तो राजस्थान ही चले जाते तो इतना ही खर्चा होता इसमें. बट नहीं यार, सबकी फ्लाइट करनी पड़ती ना. मुंबई में राजस्थान के लिए 15,000 और राजस्थान जाने एक जन का 15,000 और करंटली राजस्थान में भी बारिश हो रही है. जरा तू पालघर का वेदर चेक कर, तू मुंबई का वेदर चेक करके आई है, इधर का बारिश का क्या सीन है, रुकेगी. शालिनी ने मुंबई का वेदर चेक किया जब हम मुंबई छोड़ के आ रहे हैं. दिमाग हो रहा है शालिनी मंडल जैसा. गाइस लाइट चली और मैं जब लिपस्टिक लगा रही थी, मैं आई लगा रही थी और लाइट चली गई. क्या ही होगा हमारे साथ, ये आज ही होना था. इतने क्रिएटर्स आके शूट करते, बट जहाँ हम आए और वहाँ गड़बड़ ना हो, ऐसे हम आए कहाँ. Makeup is all done and Shalini is getting draped in her sari and it's properly raining guys. हमारे सपनों पे, हमारी मेहनत पे बरसात हो रही है. Oh, I also put this. मस्त रेडी हो गई है Shalini और मैं. सारा ने जैसे इंडियन अवतार लिया, इतनी सॉफ्ट वॉइस हो गई उनकी. सॉफ्ट नहीं, अभी मैं एनर्जी सेविंग मोड पे चली गई हूँ. मधुर आवाज हो गई आप.
आपकी आवाज मधुरी है. द थिंग इज वी हैव शेड ऑन दैट थिंग ओके. हम तो शूट कर लेंगे बट ये लोग कैमरा मैन खड़े कैसे होंगे. शरण बी लाइक आई डिडंट साइन अप फॉर दिस. क्या बोल रहे हैं उन लोग सेट वाले, मतलब बारिश होती है तो क्या करते हैं? कुछ पूछा तो थोड़ा कॉन्वर्सेशन कर क्या मंगवा जिन लोग बोले बाहर, वो खुद देख रहा है बाहर. अरे बाप रे बारिश रुक रही है. मैं क्या बोलूं उसको भी यार अलग ही सीन. तो आपका नेटवर्क चल रहा है क्या? नेटवर्क चल रहा है, कनेक्ट किया मुझे वाईफाई है. हां कुछ नेटवर्क भी नहीं, कुछ बाहर की दुनिया से कुछ अता पता नहीं. क्या करने का बाहर की दुनिया से? तुम बाहर आए हो शूट पे? अरे मम्मी पापा बाहर. This is unexplored Palghar. Mummy, Papa. This is Palghar. Are you sure this is Palghar? नहीं तो. It's so far Palghar. तो. चल ये जो लड़का. वहाँ से अपन left लेते, जहाँ से bridge से नीचे अपन left लेते तो वो जहाँ सब वहाँ city वाला भाई पे, ये पूरा गांव वाला भाई पे. यहाँ ये तो यहाँ पे इनका. सुन तो लेकिन क्या करेंगे मतलब अभी realistically speaking if it keeps raining. वो दिख अंदर. अंदर वो chandelier join on करेगा. अंदर ही तू मतलब तू भी अंदर खड़ा रहेगा और मैं बाहर जाता हूं ना. मेरा भी मजा नहीं प्रॉब्लम. तेरा कैमरा और लाइट्स एसएल एसएल तो अपन ऐसे ही लगाएंगे कि दिखेगा वैसा ही स्टाइल में लगाएंगे ना. इतना भी एलए एलए माउंट कर दे क्योंकि सबसे स्ट्रांग एलए. चल तुम लोग खड़े रहोगे तो समझेगा ना अपने को भी कपड़ा कितना शाइन है और लाइट के साथ तब समझेगा ना. शक्ल भी शाइन होनी चाहिए और हमको वाइड चाहिए था. अरे होएगा चलो बोलते हैं. हम ये सेट लिए थे वाइड के लिए अंधेरा एंड जस्ट वो झूमर लाइक शांति प्रिया. दुर्गा पूजा का वाइब भी. हाँ दुर्गा पूजा रात को होती है ना यार. चले देखते हुए बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें. कोई नहीं कोई नहीं. आप मुंबई में है. मैं एक्सपीरियंस के लिए आई हूँ. शूट के लिए नहीं आई हूँ. बहुत अच्छा. अगर हम इसके लिए नहीं आए होते तो बहुत मस्त वाइब है. रोमांटिक एटमोस्फियर है. स्विमिंग गाइस झूमर ऑन हो गए. अब लग रहा है अभी देखा थंडरिंग देख. प्रॉपर दुर्गा पूजा वाइब आ रही है. चलो ता माउंट योर कैमरा लेट्स गो. कैमरा हो रहे हैं माउंट. आपको क्या लग रहा है वातावरण के बारे में? द वातावरण आई लव द वातावरण ऑफ द सेट. तो मैं बोल रही थी यहाँ से वी कैन वॉक. तो ये नहीं वॉक कर सकते अंदर अभी. तो ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा अपन को डायगोनल. हाँ क्यूट लग रहा है ये एक्चुअली बहुत टच आ रही है हमारा. गुड आईडिया. मैं शूट कर सकती हूँ. उम्पा लुम्पा बना दिया था. ये देख मेरी आई सर हिलाना है ना बस. ये इधर से सोच रहे थे हम मतलब मैं उसको घर से लेके आई और मैं उसको अभी इधर से. हाँ इधर. हाँ ये लाइट हटा दे. फिर थोड़ा केल्विन को वार्म नहीं कर सकते कि वो तो बाद में सीसी करेगा. वो फिर देखो कलर ग्रेड से लाएगा. मैं उसको हटाऊं? देख हम लोग की स्किन टोन सेम है तो देखो कलर सेट करने इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए. स्किन अच्छी दिखनी चाहिए. अभी भी थोड़े ऐशी लग रहे हम. थोड़े ऐशी लग रहे देख इसको. इसमें बेटा एलए माउंट करना. मेरा एलए वार्म होता है. दुग्गा पे अपन जा रहे ना. अरे वो मत देखो भाई. वो अभी गाना मत सुनो. वैसे भी वी आर नॉट लिप सिंकिंग ना. हाँ वो मत सुनो. वो एडिटिंग में ले लो और थोड़ा लंबा खींचो. वेरी क्यूट दिस इज. प्लीज अंकल हम लोग के घुटने जा रहे हैं. आप दुआ नहीं बराबर दे पा रहे हो. Even I can feel it. कैसे तैसे जैसे जैसे हो गया शूट.
अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है गाइस, प्लीज ना व्यूज नहीं है ना, 1 मिलियन नहीं है, आप और शेयर करो, 2 मिलियन आना चाहिए। आउट ऑफ द साड़ी, आउट ऑफ द गजरा, ओपन हेयर एंड रिमूव लैशेज एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छा हो गया शूट डिस्पाइट ऑल ऑफ द हैसल्स, शूट अच्छे से हो गया। मेबेलिन सुपर स्टे मैटिंग डेफिनेटली स्टेज ऑन द हैंड्स, लाइक इससे हम लोग ने किया ये जो क्लासिक बंगाली स्टाइल, नॉट मेहंदी, दे डू इट विद अल्टा, एक्चुअली वी हैड अल्टा आल्सो, बट अल्टा स्टेन्स योर आउटफिट्स एंड ऑल, मतलब इट्स वेरी मेसी टू वर्क विद, लास्ट मिनट लिक्विड लिपस्टिक वाज द वे टू गो। वी हैव टू गो टू ईट फूड बिकॉज ऑल 3 ऑफ अस हैव शेयर्ड 1 डब्बा एंड वी आर वेरी हंग्री एंड द बॉयज आर डेफिनेटली हंग्री, बेचारे से बिस्किट खाए, यस सो नाउ कहाँ कुछ था, कैंटीन वैंटीन नहीं था, चल जाते ढाबा ढूंढो ढाबा। हम अभी मैकडोनल्ड्स में रुके हैं, इगतपुरी के रास्ते पे जो मैकडोनल्ड्स आता है वो हाईवे वाला, और हम खाएंगे नगेट्स और फिर मैं मेकअप स्टिल मेकअपिंग अपार्ट फ्रॉम द लैशेस। मैकडोनल्ड्स में नगेट्स कौन खाते हैं? हम खाते हैं जो ब्रेड नहीं खाते। लेके था गैस स्टोव के अंदर, तपेला है मेरे पास, सिर्फ फ्राई करने का था अपने को, वही खा लेते हैं फुल। ओके, आई हैड टू मच ऑफ अ लॉन्ग डे टू डील विद योर बुलशिट जोक्स ताहा, ओके, यस आई एम स्टिल कीपिंग अप विद ताहा एंड वी विल नाउ गो, यू नो मोर देन शूटिंग विद ताहा यू हैव टू कीप अप विद दिस बैड जोक। आज जरीन पोकी बाबा हम लोग आ गए हैं घर पे, इट इज करेंटली 10th October 12:52 AM, नया दिन शुरू हो गया बट हमारा सेम शूट चल रहा है जो हमने 9th अक्टूबर को शुरू किया था। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम पालघर वी आर डूइंग द बिफोर शॉट ऑल्सो अभी ओनली बिकॉज टुमारो शालिनी हैज़ टू गो टू दिल्ली, सो वी डोंट वांट टू रिक्स लेने का इच्छ नहीं है अपने को, रिक्स लेने का इच्छ नहीं है, तो वी विल डू इट अभी ताकि कल हम आराम से सो पाए और ये एडिट रेडी हो जाए। तो इतना लास्ट मिनट शूट करें ना, आज ऑलरेडी सप्तमी है, सप्तमी हो गया, खत्म हो गया, कल अभी अष्टमी है 10th को, तो पोस्ट करना पड़ेगा। उल्टा मैं उल्टी फील कर रही हूँ अभी, 8 बजे हम लोग निकले 8 PM फ्रॉम पालघर, रीच्ड होम एट 12 AM, 12 बज गए, नया दिन शुरू हो गया और अभी हमने बिफोर भी शूट कर लिया एन इम्पल्स अपैरल एंड अभी हम वो भी एडिट करके खाली देख रहे हैं कि द ट्रांजिशन इज मैचिंग सो दैट वी आर फ्री फॉर गुड। देन इट इज मिस्टर ताहाज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हमको कलर ग्रेड करके दो और एडिट, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर श्योर। हमको ना लिटरली अष्टमी में कल अगर हम डाल ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, व्यूज आएंगे व्यूज मालूम है, सिर्फ कट टू कट वीडियो ली है, वीव नॉट हैड एनी टाइम टू टेक एनी बैकअप शॉट ओनली ना, वीव टेकन टाइम नहीं, बट इट इज गुड ना, इट्स गुड, मतलब आई एम हैप्पी, व्यवस्था क्यों करनी है, वी हैव दैट वी डिड ना गाड़ी में, इट्स गुड। जो 2.5 hours जाने को लगा उसमें शालू एंड आई वॉच सो मेनी डांस वीडियोस एंड सो व्हाट स्टेप्स वी कैन डू एंड ऑल, वी वर रेडी, लाइक आई एम हैप्पी विद द शूट नो डाउट इवन आफ्टर ऑल ऑफ द मगजमारी, या मतलब ऑल ऑड्स वर अगेंस्ट अस बट वी स्टिल डिड इट, सो आई एम मोर हैप्पी एक्चुअली। बारिश हो रही थी भाई, बिकॉज ये सब चीजें तो हम सिर्फ क्रिएटिविटी को फ्यूल करने करते, ऐसे कोई पैसा तो नहीं दे रहा है हमको ये सब करने से, मजा आता है करने के लिए, तो मजा तो आया बहुत ज्यादा, अभी आउटकम भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा एक्सपोजर कम करना नहीं करूंगा एक ऐसा शॉट है जिसमें शालू और मैं बस वॉक किए और लाइटनिंग गड़गड़ाई पीछे से, देखो बड़ा क्रेजी, वो सब परिंदे दिख रहे हैं ब्रो, सारे पतंगे परिंदे मच्छर सब सब दिख रहे लेंस के सामने फड़फड़ाते हुए। अभी तेरे को ग्रेन्स डालना पड़ेगा, कलर ग्रेड करेगा तो मजा आ जाएगी, तो हाँ ग्रेड करना करेक्ट नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग, ये मम्मी ने कब से एवोकाडो भेजे एंड वो खराब होने वाला था, मम्मी को बोली खुद ही आके बना रहे हो बिकॉज सत्यम डजंट इवन नो हाउ टू कट एन एवोकाडो एंड आई हैव नो टाइम, आई केम होम लास्ट नाइट एट 1 o'clock फ्रॉम पालघर एंड देन नाउ आई एम एडिटिंग माई वीडियो बिकॉज आज ब्लॉग डालना ही पड़ेगा। मच लेटर, वी हैव कम टू इन्फिनिटी मॉल टू शॉप फॉर दुर्गा पूजाज कुर्ता फॉर मिस्टर रीत, कहाँ है बट एथनिक सेक्शन, ओ द होम सेक्शन इज अट्रैक्टिंग मी, तुम अपना कुर्ता ले लो मैं इधर शॉपिंग करती हूँ, क्यों नहीं है, सी दिस व्हाट डू यू थिंक, बट व्हाट्स द यूज केस ऑफ दिस, टू कीप लाइक एक्सेसरीज एंड स्टफ, यू ऑलरेडी हैव एक्सेसरी प्लेट, सी दिस, यू हैव वन वेरी सिमिलर इन योर ड्रेसर, हाउ अबाउट अ वॉच, इधर ही नहीं है, क्यों मुझे क्या पता क्यों, बट हुआ करता था ना, हुआ करता था, अभी नहीं है, इस साइड ने बंद कर दिया है, बट तुम्हारी कुर्ती तो उधर से, तो तस्वा चलो फिर तस्वा।
No, my kurtas are from Manyavar. Huh? Yeah. Okay. Taswa chalo taswa. Bali jaate samay idhar aana chahiye tha ek baar actually. See, ye dekho ye bahut the white pants. Yeah. Today is Ashtami, so we thought we'll go for Durga Puja, and Reed does not have that much variety in kurtas, so he thought to shop on Durga Puja day only to go for Durga Puja. We came to Infinity Mall thinking West Side mein hota, but apparently West Side is discontinued ethnic, which is Taswa is not in this mall. We'll have to exit the mall. It's on the Link Road. What other place has men's Indian? There's Manyavar also in this mall, so we can check at Manyavar. I'll go look for something for Reet. He's gone to the washroom. There's like proper wedding collection. Ooh, yeah, red. Ye aisa sparkle mein koi. It looks so good. No. I'm not wearing anything sparkly. No. Looks never. So nice. Never. It's for never. Diwali. You can no, get no, it. No. Is color mein aapke paas kuch aur hai. Bina aisa kuch sparkle nahi chahiye udhar. Tikli bolte hai usko. I don't know. You should get more colors and more kurtas. Reet for Diwali bhi kar lo. Aapke paas koi discounts chal rahe? Nahi. Haan, aisa kaisa Diwali se pehle to rakhna chahiye na. Offer. You like it? Yeah, this is nice. It's not chatak red. I found it chatak. I thought you want something cherry red. This is cherry red actually. No, the undertone of this. Like ye nikal ye. I was liking this only for you. Nahi iske niche wala. But isn't this very weddingy? For Diwali you're saying? Yeah. It's nice, no doubt. But it's very like wedding reception for somebody else. Tone it down na little. Black you can't wear on Diwali. Why not black? Black with maroon. Achha, it's a classic combination. Okay. Or take white. White look good? No, that though not at all. Black is nice, black is smarter. But that's not your size. Black you're seeing with this maroon kurta. Try the look. This you're seeing for Diwali. Then for today, take a white only kurta, off-white, creamish. You don't have a nice cream kurta also. So for today, I can wear this. And then Diwali base pe waistcoat chada doge. हो गया लुक अरे यार री थोड़ा अलग थोड़ा ना वैरायटी प्लीज ना व्हाई आर यू सो सिंपल भी थोड़ा हाई मेंटेनेंस इट इज नाइस आई एम नॉट सेइंग दिस इज वेरी गुड I love the work. This is very nice. This I really like. Yeah. This also is very nice if you had a friend's wedding or something to attend. See, this is going to look so good. Yeah, it is. This is a great Diwali outfit. Yeah. Superb. For the Diwali party we are throwing, amazing. See my color choices are good. Yeah, your fashion sense is amazing. I'm not saying. I love this blue also for you. Take it for the Diwali back home, na. I have Diwali back home ke liye mere paas kitne. That color is so beautiful, guys. Convince Reed to get this baby blue. By the time the green. Y'all will watch it here. व्लॉग खत्म हो चुका होगा मैं कपड़ा खरीद चुका हूँगा कभी और के लिए ले लो वो बेबी ब्लू दिवाली में बहुत अच्छा लगेगा नहीं ये तो बहुत ईद टाइप्स ये बहुत पॉलिटिशियन वाला ईद हाँ मुझे ईद टाइप्स लग रहा है थोड़ा दिवाली के लिए दिस इज वेरी क्लासी आपके पास ऐसे ओपन नेक का कुछ है क्या इसको देखो इसको अगर मैं यूजुअली इसको थोड़ा खुला रखता हूँ इसको खुला नहीं रहा रख पाऊंगा वो बार बार बंद हो के आएगा स्टाइलिस्ट इज अप्रूविंग द ही इज डन दिवाली शॉपिंग दशहरा शॉपिंग एवरीथिंग बॉयज लीव द हाउस वंस एंड शॉप फॉर द होल ईयर एंड कम आउट नाइस आई लव द शॉपिंग दो मान्यवर हैज सम ग्रेट कलेक्शन नॉट स्पॉन्सर्ड For men's, Manyavar is the best. Now Sharon is like, main collab ke liye approach karti. You should actually tag them, you know, post tag. And next time, you know, yeah. Reed, start posting on Roaming Chaksak also. Yeah. Few moments later. Now I'm getting ready for actual Durga Puja and I'm wearing this sari that Amit gifted me for my birthday this year. And he wrote a very special letter ki Ashtami ke din hi isko pehna. He bought this from Kolkata for me. So, aaj Ashtami hai aur Durga Puja bhi attend karne ja rahi hu. Toh maine socha ki main yehi sari pehnungi. Maine blouse bhi silwaya hai, iska cotton blouse. It's a simple cotton sari but a very comfortable fabric. I actually really liked it that, you know, agar bahar bahut zyada pollution aur bahut zyada garmi ho rakhi hai. So, I want to wear this kind of a fabric. Kal jo humne Shalini ke saath pehna, that was on Amazon. So, that I will link niche. Uski bhi quality bahut hi zyada achhi thi. I didn't appreciate the sari enough in my vlog. But it looked so good in the video. And if you want something more elegant, that sari is so long. Also, bahut lambi thi. So, for draping a Bengali sari, the way they need to drape it, saamne lena hota hai, pura pallu aur aage lena hota hai. It had the good amount of length. Aur ye bhi kafi lambi sari. I think Bengali sarees are supposed to be long because the drape is in such a way that you take it pura and then peeche se aage bhi lena hota hai. So, these are also long sarees but isko main link nahi kar paungi wo amazon wali main link kar dungi aapke liye niche wo bahut achhi sari hai but that's more on the jaisa wo net jaisa sheer material hai uska georgette material jaisa tha uska and it was very nice soft material but and this is a proper cotton sari
एंड देन उस पे आई हैव दिस सिंपल ब्लाउज रेड कलर का. ये मुझे पफ स्लीव्स में चाहिए था बिकॉज बंगाली साड़ीज़ यूजुअली हैव अ पफ स्लीव ब्लाउज बट अजहर बीइंग अजहर डिड नॉट गेट द मेमो प्रॉपरली एंड मिस्ड दैट डिटेल एंड नाउ ही इज जस्ट सच अ रेगुलर ब्लाउज. इट्स फाइन, आई एम जस्ट गोना वेयर इट नॉनदलेस. लेट्स गेट रेडी इन दिस. आई एम रेडी फॉर दुर्गा पूजा इन ऑथेंटिक बंगाली स्टाइल विथ सारा टच. आई लव इट. आई लव दीज ब्यूटिफुल झुमकीज ऑल्सो दैट आर एडिंग सो मच चार्म. द आउटफिट इज नाइस, सिंपल, ऑथेंटिक एंड द झुमकाज आर फ्रॉम इश्कारा. दे गो ऑल द वे बैक और ऐसा किया है. द हेयर स्टाइल भी साथ ही में हो गई. ह्यूज प्रॉप्स टू शेरिन फॉर ड्रेपिंग फॉर मी ऑलवेज. शी इज माई ड्रेपिंग एक्सपर्ट टच विद माशाल्लाह. शी इज सो गुड एट दैट. एंड आई जस्ट हैड छोटू बिंदी. कल हम लोग ने एकदम वो ड्रामेटिक बिग बिंदी किया था बिकॉज वी वॉन्ट द फिल्मी बंगाली वाइब्स. टुडे आई वॉन्ट टू डू समथिंग दैट आई वुड डू इफ आई वॉज ऑथेंटिकली बंगाली ऑल्सो. बट आई एम गोइंग फॉर दुर्गा पूजा बिकॉज रीत डज यू नो हैव दुर्गा पूजा एज अ वेरी बिग फेस्टिवल बैक इन असम. सो वी प्लान टू गो इधर ओनली फॉर दुर्गा पूजा सिंस ही इज नॉट इन असम. ही इज इन मुंबई राइट नाउ. आई एम वेयरिंग छोटू बैंगल्स. लाइक आई एम नॉट वेयरिंग रेड बैंगल्स. एकदम मिनिमल. आई लव इट. आई लव हाउ माई लुक लुक्स. आई लव हाउ आई लुक. आई एम लविंग द फेस्टिव सीरीज दिस ईयर. माई फेस्टिव सीरीज आई एम एक्चुअली इंजॉइंग द फेस्टिवल. आई वाज टेलिंग शेरिन के लास्ट ईयर मैंने किया था बट मैं बहुत थक गई थी एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं मजा आ रहा था. दिस ईयर इन माई फेस्टिव सीरीज आई एम ड्रेसिंग अप फॉर एवरी फेस्टिवल एंड आई एम एक्चुअली इंजॉइंग एवरी फेस्टिवल. आई एम ट्रूली ट्रूली इंजॉइंग एवरी फेस्टिवल इन 2024 लाइक इट शुड बी इंजॉयड एंड आई एम एबल टू एक्सप्रेस दैट होपफुली थ्रू माई वीडियोज इन त्योहार विद सार ऑल्सो विथ यू ऑल बिकॉज आई एम एबल टू टेक यू ऑल थ्रू एवरी त्योहार प्रॉपरली इन माई वे इन हाउ एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग इट फर्स्ट हैंड विथ यू ऑल. दिस इज व्हाट द फुल ड्रेप लुक्स लाइक. नाउ वी बोथ आर रेडी फॉर दुर्गा पूजा. Nice, I love this on you. Mm-hmm. Yes, no chamki also. I'm the chamki in your life, not on your My neck looks like it's someone has. Who told you to shave abhi before we have to leave? Ganda lag raha tha. Neck beard looks very bad. It'll calm down. I put moisturizer. Bahar barish ho rahi hai, guys. Tyohar with sir. Literally. It's again raining full fledged. बुरी तरीके से बारिश शुरू हो गई. Look at the lightning. बारिश की वजह से सब लोग कोई भी इधर नहीं है. Yeah, it's all filled. सब लोग कोने में हो गए बारिश की वजह से. It's so beautiful, but. बारिश इतनी हो रही है और इतने सारे लोग हैं पंडाल हॉपिंग करते हुए तो हमको ऑटो ही नहीं मिल रही है. वे लिटरली वी वॉक्ड ऑल द वे फ्रॉम द पंडाल एंड नाउ वी आर टेलिंग सत्यम टू कम पिक अस अप इन एन ऑटो. मतलब घर की ओर से एक ऑटो लेते हुए आए और हमको लेके जाए. एंड वी मेड एन इम्पल्सिव प्लान जो यू विल गेट टू सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. अब भी चलते चलते पंडाल में वी मेड दिस प्लान. आई एम वेरी एक्साइटेड. सत्यम आ गया. Reet got me lilies also on the way. Meri saree to puri bhig gayi hai. Chalo. Okay guys, I'm gonna end this vlog right here. Durga Puja se hum ghar jo wapas aaye hai, we made such an impulsive plan at the pandal itself because I was telling Reet, just aisi main bol rahi thi ki mera bahut man tha malum hai ki Durga Puja ke liye main Amit ko jaake surprise karu Kolkata mein. Because every year Amit tells me ki you have to witness Durga Puja in Kolkata, you have to witness it. And I don't know, I am very scared of the crowds and अमित की तो फैमिली वहां रहती है ना, तो आई फील लाइक कि वो फैमिली में मस्त मगन हो जाएगा. वो मेरा दोस्त है, ऑफ कोर्स मेरा ध्यान रखेगा, बट कभी यू नो आई शुड नॉट फील अलोन इन दैट क्राउड. तो आई हैव नेवर हैड एनीबॉडी टू अकंपनी मी. तो मैं उसको बोली कि मेरा बहुत मन है बट मुझे डर लगता है क्राउड से बिकॉज आई गेट अ लिटिल स्केर्ड व्हेन देयर इज टू मच क्राउड. सो ही इज लाइक चल वी कैन गो, यू नो इट्स द लॉन्ग वीकेंड, वी कैन गो. इट वाज सच एन इंपल्सिव प्लान एंड ही वाज लाइक डू यू वांट टू गो टू सरप्राइज मी. आई वाज लाइक या आई रियली वांट टू गो. आई हैड द थॉट लास्ट नाइट, आई हैड द थॉट दिस मॉर्निंग ऑल्सो एंड आई शेयर्ड इट विद हिम इन द पंडाल एंड ही सेड वी कैन because it's the long weekend so he has an off from work also. So we just you he humne plan bana liya. Pandal se bahar hai, rickshaw mein baithe aur humne flights book bhi kar di. So we have flights to leave tomorrow morning from Mumbai to Kolkata. Jaise hi main ghar aayi hu, maine Satyam ki madad leke apne bags pack kar liye. Reet has packed his bags. So kal subah hum niklenge and we will go from Mumbai to Kolkata to experience Durga Puja for the first time in Kolkata and I'm so excited. I thought ye experience main kabhi nahi kar paungi just because of how scared I am of huge crowd इन वन प्लेस. लाइक अमित जी मुझे बोला था कि आना है बट तुझे ध्यान रखना है कि यू नो क्राउड तो बहुत ज्यादा होगा. आई एम नाउ लाइक रीत इज देयर तो आई एम फाइन. लाइक रीत है तो आई विल बी फाइन, आई नो दैट. तो इसलिए आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू गो. जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ आर ट्रैवल विद आवर प्लान्स, दिस इज ऑल्सो सुपर सुपर इम्पल्सिव. इतना इम्पल्सिव कि अष्टमी आज खत्म हो गई और हम नवमी पे जा रहे हैं बट फिर भी हमको लॉन्ग वीकेंड मिल जाएगा. कल नवमी दशमी एंड वील गेट संडे ऑल्सो टू चिल विद अमित एंड देन वील कम बैक संडे. रात को ही हम वापस आ जाएंगे बट सो इम्पल्सिव. Yeah, it is
It's gonna be so fun and experience. I never even bucket listed for this year, but is happening now and I'm so happy. मैंने अपनी जो आज साड़ी पहनी थी वही साड़ी वापस पैक कर ली, क्योंकि वो अमित ने मुझे गिफ्ट किया था, तो इट्स ओनली राइट दैट आई वेयर इट इन कोलकाता. I've also packed 2-3 मोर साड़ीज दैट आई हैड शॉप फॉर दिवाली, बट अभी मैं दशहरा के लिए भी पहन सकती हूँ वो साड़ीज, सो आई हैव पैक दोज ऑल्सो एंड आई हैव पैक्ड वन कुर्ती जस्ट इन केस आई कांट ड्रेप माई साड़ीज बिकॉज शेरन ऑलवेज ड्रेप्स फॉर मी. बट या आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो. आई नो इट वॉज लॉन्ग, इट वॉज ऑल्सो हेक्टिक, मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, सो दिस इम्पल्सिव प्लान नीड्स मी टू स्लीप सो दैट आई कैन वेक अप फॉर माई फ्लाइट. आई नो आई नीड अ ट्रैवल विद सार टू रिवाइव एंड रीसेट बिकॉज मैन इज बिन अ लॉन्ग टाइम दैट वीव ट्रैवल ना बाली, ऐसा लग रहा है कि लास्ट जन्म गए थे हम. तो चलो अभी हम ट्रैवल करते हैं विद इन इंडिया एंड टू एक्सपीरियंस समथिंग वेरी वेरी यूनिक. इफ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट अ बिग थम्स अप. फॉर डीजे सास्कर शॉर्ट गोज टू प्रत्युषा बोस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल. इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट टू सास्कर शॉर्ट यू नो व्हाट टू डू. हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन राइट नेक्स्ट टू डाउन लिंक कमेंट डाउन बिलो सेइंग #SarahSquad and just support my next video SarahSquad channel. I will see you guys very soon in another video. Bye guys, love you.